जी और इस साल क्या उम्मीद कर रहे हैं जी? इस साल भी जो है जी यही उम्मीद है कि 90 के आसपास निकल जाएगा। हाँ जी वैसे तो ज्यादा ही जाएगा जी, ऊपर देखो मुझे तो 120 की उम्मीद है, 120 30 की जी, 120 तक 30 तक हमने जाने का। हाँ जी ये तो देखो गन्ने की तो जो हाइट है ना 120 30 तक, हाँ ये गन्ने की हाइट भाई साहब 15 फुट के आसपास तो हो रहा होगा नहीं गन्ना? नहीं होगा नहीं, पत्ती शुद्धा तो ज्यादा होगा, पर गन्ने 15 हो रहा जी। हाँ 15 गन्ना है भाई, ये दिखाइए जी कहीं हाथ है खड़ा करके देखे, ये देखो भाई यो कहीं तो कहीं लो नहीं है, हाथ तो कहीं जा नहीं सकता, ये देख लो जी ये पीछे हट रहा हमें, और वो गन्ना तो बहुत ही ज्यादा हाइट का है भाई ये बहुत ही। नाम बता दो अपना। नितिन है जी मेरा नाम। नितिन, अच्छा पास में ही खेत है, क्या हाइट हो रही हो गन्ने की? गन्ने की लगभग 18 फुट का हाइट होगी। इतना हो रहा होगा? हम का मालिक तो ये 16 पे ठग रहे हैं, तो नु कहे भाई मैं तो ज्यादा बता नहीं सकता, 20 फुट तो गोले सहित होगा जी। हाँ जब है हाँ गन्ने की बहुत हटा है जी, दोपहर का मुद्दा भी ऐसा ही खड़ा था और गेहूं का बोर्ड भी ऐसा ही खड़ा था। अच्छा गेहूं का बोर्ड था शुरुआत में, फिर फर गया दोपहर सा भी और इब गति पर सा भी ऐसा ही तो आगे भी रखने के। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदवीर अहलावत पर। भाइयों आज सुभाष जी के खेत पर पहुंचे, गड्डी पुख्ता गांव में, शामली जिले का गांव है भाइयों, और भाइयों वही पुरानी वैरायटी है 0238 का खेत दिखाऊंगे सुभाष भाई का, और कमाल का प्रबंधन है भाई का, जितने भी खेत देखे बहुत ही जबरदस्त खेत चल रहे भाइयों, और लगातार कई सालों से जो है इसी तरीके से गन्ना ले रहे, और ये इनका मुड्ढे का खेत है जो उनसे खेत पे है, तिबर सा इससे भी ज्यादा लंबाई का गन्ना है भाइयों, बहुत ही शानदार, और इसकी जानकारी लेंगे भाई आपके यहाँ जो है ये बीज कैसा चल रहा है और कैसे संभाल कर रहे हैं भाइयों। ये देखो एक बार दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ, गन्ने की हाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गन्ना है भाइयों, ये देखो जी ये गन्ना वहां तक खड़ा, ये देख लो क्या हाइट होगी होगी, और मुड्ढे का खेत है भाइयों, हरा भरा बिल्कुल 0238 वैरायटी। आओ जी एक बार जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय करा दो एक बार। सुभाष गिरी जी, सनोप सुल्तान गिरी जी, गड़ी पुख्ता। अच्छा जिला शामली है जी? जिला शामली। तो भाई साहब ये मुड्ढा, हाँ ये मुड्ढा खेत है ना आपका? हाँ जी मुड्ढा खेत है दोपहर से का। और वैरायटी कौन सी जी? 0238। अच्छा 38 ही है। हाँ जी। तो भाई साहब इसके बारे में आप अपने खेत के बारे में बताओ, ये संभालो कैसे रखा है आपने, क्या क्या डालो, कैसे संभालो? बस शुरुआत में तो डाई गेर देनी, जहर छोलने के बाद में। अच्छा जी। डाई और पटेरा जी, या पटेरे की जगह कोई और दूसरी दवाई ऐसी जी, और यही फिर बाद में स्प्रे चलती रहे जी। कितनी स्प्रे करी होगी जी? इसमें 6-7 स्प्रे हो रही जी। 6-7 हो रही? हाँ जी। तो भाई साहब स्प्रे तो जो है और किसान भी कर रहे, आपका जो है कुछ अलग से प्रबंधन है, कैसे करो, कितने दिन में स्प्रे करो? नहीं जी अलग से कुछ नहीं है, महीना भी हो जा महीने में भी कर दें, वैसे तो महीने का टारगेट रहे, महीने पे लेके चले स्प्रे जी, और 20-25 दिन में भी कर दें। अच्छा 20 अगर कुछ रोग की ज्यादा वो है तो 20-25 दिन में मार दें स्प्रे। अच्छा और यूरिया कितनी बार दे रहे जी? यूरिया जी इसमें 3-4 बार आ जाएगी। अच्छा एक बार में कितना दे दो? एक बार में 5 बीघे में 1 कट्टा। अच्छा और उसमें दानेदार दवाई भी डालते हो? दानेदार तो फटेरा गिरा जी हमने, बस एक बार गिरा। एक बार जी, फिर खाली यूरिया डालते रहो? फिर खाली यूरिया। अच्छा कोई और माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह कोई और चीज लगाते हैं? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं लगाते नहीं, कुछ। तो इसमें स्प्रे है जी? स्प्रे स्प्रे है। तो इसमें पौधे भी थे जी? इसमें हाँ पौधे भी थे इस खेत में। हाँ इस खेत में पौधे थे। हाँ आ जाओ, उसमें नहीं थे, दूसरे में जो पर है। अच्छा उसमें पौधा नहीं था जी जी। तो चलो जी यहीं दिखा दो एक बार अंदर को देखे, ये देख लो भाइयों गन्ना बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मेरे ख्याल से इधर आओ जी, मेरे ख्याल से भाइयों शामली जिले में ही पूरे में ऐसे खेत बहुत ही कम मिलेंगे, और ये देख लो जी प्रबंधन बहुत ही कम खेत मिलेंगे भाइयों इतनी ज्यादा हाइट के। और खेत है जी? है जी वो बगैर पौधे का है। अच्छा
इसमें फोगा था। अच्छा तो कमी। हाँ छोले वोले में सब हो जाए। हाँ हाँ रुक जाओ जी एक मिनट। तो ये बुआई कितने इंची पर रखो जी? यो 28 इंची पे है जी। है जी 28 इंची पे है जी। अच्छा 28 पे ही रखते हो। हाँ तो इसमें आसानी होगी जुताई में, ऐसे ही रख रहे चौड़ाई नहीं बढ़ाई? नहीं जी चौड़ाई नहीं बढ़ाई, बस ऐसे ही जोटे से या ट्रैक्टर से ऐसे ही जुताई कर दें। ऐसे ही जुताई कर दें। हाँ तो खाद दवाई तो आपने बता दी, स्प्रे में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करो? स्प्रे में जी हमने इसमें जो है वो हमारी नहीं थायो तो है ही थायमेथोक्सान और वह लेमडा। अच्छा बस ये दो ही दवाई रखते हो या एक आध बार अलट पलट? नहीं बीच में अदल बदल भी दें। अदल बदल इसकी जगह क्लोरोसाई पर मार दी जी। हाँ जी तो स्प्रे में तो ये रखो जी। तो पिछले साल भी ऐसा ही था कि साइड लगा दें इसमें? अच्छा पिछले साल भी ऐसा ही था गन्ना आपका? हाँ जी ऐसा ही था। क्या एवरेज आ जा जी इसका? 90 का 80 का पिछले साल का। हाँ जी और इस साल क्या उम्मीद कर रहे जी? इस साल भी जो है जी यही उम्मीद है कि 90 के आसपास निकल जाएगा। हाँ जी वैसे तो ज्यादा ही जाएगा जी, ऊपर देखो मुझे तो 120 की उम्मीद है। 120 30 की है जी, 120 तक 30 तक अपने जाने का। हाँ जी ये तो देखो गन्ने की तो जो हाइट है ना 120 30 तक। हाँ ये गन्ने की हाइट भाई साहब 15 फुट के आसपास तो हो रहा होगा नहीं गन्ना? नहीं नहीं पत्ती सुद्धा तो ज्यादा होगा। पंद्रह गन्ना है भाई। ये दिखाइए जी कहीं हाथ है खड़ा करके देखे। ये देखो भाई कहीं तो कहीं लो नहीं है, हाथ तो कहीं जा नहीं सकता। ये देख लो जी ये पीछे हट रहा हमें, और वो गन्ना तो बहुत ही ज्यादा हाइट का है भाई, बहुत ही कैमरे में नहीं आ रहा है जी। अरे चढ़ भी जाओगा? अच्छा ऊपर से जो है नी ऊपर से तो आपने खुला छोड़ दिया, कुछ ऊपर की बंधाई नहीं करवा रखी है जी? हाँ एक जुड़े पे खड़ा जी। हाँ एक जुड़े पे खड़ा, खेतों में ध्यान नहीं बधाई हो नहीं पाती थी। हाँ ऊपर की तो रह दिया आपने, ऊपर से तो खुला ना। हाँ और फिर भी कुल मिलाकर सीधा खड़ा जी आपका गन्ना? अन्य एक मेल और लग जाता है इसमें? हाँ मेल तो खूब मांग रहा था। एक दिन लो दो दिन लो। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर और खेतों की बंधाई में भी टाइम लगे। हाँ जी फिर बस मगा है छोल देंगे। अच्छा वो तिबर से का उसकी हाइट भी इससे भी ज्यादा ही है जी? हाँ जी वो इससे कुछ ज्यादा ही है जी। हाँ वो भी लगभग ऐसा ही खड़ा है जी, तिबर से का भी इतना बढ़िया खड़ा? हाँ जी इतना ही बढ़िया खड़ा जिससे किसी है जी, उस पर डबल मेल लग रहा। अच्छा हाँ चलो आज उसे भी अंदर से थोड़ा दिखाऊंगे भाई, चलो वो भी दिखाऊंगे। उस पर डबल मेल घूम रहा है जी, उस पर डबल मेल घूम रहा। हाँ ये देखो जी ना। हाँ जी बस ये तो देखो ये तो मैनेजमेंट का काम है, मतलब कोई मैनेज कर ले अच्छी तरह से। हाँ हाँ कोई मैनेज कर ले, किसी पे नहीं होता कि नहीं जी? हाँ क्योंकि भाई नहीं बढ़िया खड़ा जी वो भी सही। गन्ने की खेती तो भाई सभी कर रहे, पर कोई स्पेशल कर ले अलग तरीके से या नहीं? आओ जी चलो दिखाते हैं। देखो भाई इस साइड में जो तार के पास जा रहा गन्ना, और बहुत ही हरा भरा खेत खड़ा है सारा ही, ये देख लो जी है जी। हाँ गन्ने की बहुत ही जबरदस्त हाइट है भाइयों। तेल पंप वाले जो पंकज है जी आए थे, उन्होंने देखा आयो। हाँ। कहते भाई नाम मिलना चाहिए नाम का ही खेत खड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, किसान कौन इनाम दे रहा? कोई नहीं देता जी। अग नहीं आए थे भाई, किसान को तो ये गन्ने का पेमेंट मिल जाए वही बतेरा है जी। पूरा अंगा लग रहा जी इनका, नितिन लगाया जी इनका भाई। अच्छा अच्छा देखो इनका। हाँ इनका है नितिन लगा, खूब अंगा लग रखा जी। हाँ नहीं मेहनत तो भाई सभी करे है अग नहीं जी। ये देख लो भाई सारा इनका चक इस तरीके से है, और सारा ही गन्ना ऐसा है भाई, एरिया में नाम है इनका किसान भाई का, बहुत ही जबरदस्त उत्पादन ले रहे हैं, और 38 चल रहा भाई उनके यहाँ तो। तो भाइयों ये जो है 0238 का जो है तिबरसा का मुड्डा है भाइयों, ये देखो तिबरसे का भी कितना कितनी ज्यादा ताजगी है। ये 39 है जी, वो 38 था। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा फर्क है? हाँ ये 39 है जी, और खड़ा तो वो भी ऐसा ही। हाँ ये ऐसा ही खड़ा है जी। अक नहीं जी। और ये देखो गोला भाइयों कितना जबरदस्त है, और तार के पास जो है गन्ना जा रहा, इसकी भी हाइट उतनी हो रही होगी लगभग, अब ज्यादा है उससे कुछ? बस तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही है जी थोड़ी बहुत। चलो दिखाऊंगे अंदर, आ जाओ भाई।
ये देखो जी नीचे आ गए भाईयो, और ये गन्ना देख लो आप तिबरसा, ये देख लो जी क्या कमाल हो रहा भाइयों, ये देखो जी बहुत ही ज्यादा हाइट का गन्ना है भाइयों, और गन्ने की मोटाई भी है जी, ये दिखाइए एक बार गन्ने की मोटाई जैसा तिबरसा है, ये देख लो जी मोटाई बदलने के बाद पतला पड़ जाएगा अंडा, नहीं फिर भी मोटाई बहुत ज्यादा है भाई ये तो जी। है जी मोटाई भी ज्यादा नहीं तो इससे तो बड़ी है जी। इतनी हाइट पर तो है जी, ये क्या देख लो जी मोटाई बहुत ही शानदार मोटाई है भाई। तो भाई साहब तिबरसे में भी जो है इतना बढ़िया ले रहे आप गन्ना है जी, थोड़ी बहुत सुक्कन सी आ गई जी अब। हाँ एक आधे में आ जा, तो लागत इसमें भी वही है सेम? हाँ जी वही लागत है जी सेम, मतलब 6-7 स्प्रे हैं। हाँ जी और सल्फर भी लग रहा है जी एक का किस्म। अच्छा एक बार सल्फर भी लग रहा है खेतों में। अच्छा सल्फर भी है। हाँ जी। अच्छा और कोई न्यूट्रेंट वगैरह तो नहीं? नहीं जी और कुछ नहीं है। 4 बार यूरिया? हाँ जी। ये देख लो भाई 38 वैरायटी, और मेरे ख्याल से इसमें जो है नी 16-17 फुट गन्ना होगा जी। नहीं भाई गन्ना तो बहुत ही ज्यादा है भाई, बहुत ही है जी। हाँ इधर आओ जी एक बार, है भाई आ जाओ आ जाओ जमानो आ जाओ, ये देखो भाई ये भी आ रहे भाई आ जाओ, तुम थारी भी तो जरूरत है। हाँ आ जाओ गन्ने की भाई, ये आप पड़ोसी हो? हाँ जी पड़ोसी। नाम बता दो अपना। नितिन है जी मेरा नाम। नितिन, अच्छा पास में ही खेत है। क्या हाइट हो रही हो गन्ने की? गन्ने की लगभग 18 फुट की हाइट होगी। इतना हो रहा होगा? हम का मालिक तो ये 16 पे ठक रहे हैं तो कहे भाई, मैं तो ज्यादा बता नहीं सकता। 20 फुट तो गोले सहित होगा जी। हाँ जब है हाँ गन्ने की बहुत हटा है जी। दोपहर का मुड्डा भी ऐसा ही खड़ा था और गेहूं का बोर्ड भी ऐसा ही खड़ा था। अच्छा गेहूं का बोर्ड था शुरुआत में, फिर फर गया दुबरसा भी और इब का तिबरसा भी ऐसा। तो आगे भी रखने की उम्मीद है? रहने को तो रह जाएगा जी, पर हिसाब का खत्म कर देंगे। अच्छा तिबरसा में क्या दिक्कत आवे? वैसे फंगस आवे जी। अच्छा फंगस की दिक्कत आवे जी? फंगस बहुत ज्यादा आवे। तो इन दवाइयों से ही गोला इतना बच रहा है भाई साहब, क्या कारण? जमीन अलग है क्या आपकी कुछ? नहीं जी दवाइयों से ही बच रहा है बस। है जी दवाइयों से ही बच रहा है? नहीं 6-7 स्प्रे तो देखो सभी कर रहे हैं। हाँ जी। है जी कुछ क्या मैनेजमेंट है आपका? बस जी दवाई है फंगस की लगा दें उसमें थोड़ी बहुत जी। कभी कभी अन्य लैम्डा थायो इसकी स्प्रे लगाते रहे इसकी स्प्रे। चलो जी तो, और इसमें इसके जो है पौधे वगैरह निकाल लिए? ये देखो भाई सफाई भी कितनी है। हैं जी जी अच्छा पौधे फूट रहे थे खूब, ये देख लो भाई हाइट बहुत है जी। कितने बड़े बड़े पौधे? हाँ तो यह सुखन इसमें। हाँ आ जा कुछ एक आधे उसमें क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा हो रही ना। तो भाइयों मुन्ना तो जो है भाइयों सामली में इतनी हाइट का गन्ना देखा नहीं भाई साहब सुभाष जी। तो डबल डबल मेल लगाने पड़े हमें। अच्छा इसमें एक एक मेल ज्यादा है? हाँ जी इसमें एक एक मेल ज्यादा है जी। और बस एवरेज तो 100 का तो है ही उम्मीद? हाँ जी है जी 100 की। सारा गन्ना लगभग आपका 90-100 चलता रहे? हाँ जी है जी पड़ जाएगा है जी। ये तो 100 तो 120-130 पे जाएगा। हाँ जी जा सके देखो मेड़ के ऊपर मेड़ लग के फिर भी कुड्डा हो लिया ही। हाँ बस अंदाजा ही करे हम तो देखो वो तो बाद में पता लगेगा पर मेड़ लग रहा है इसके मेड़ के ऊपर मेड़ लग रहा है देखो। हाँ मेड़ भी है फिर भी कुड्डे हो लिए मेड़ के। और सबसे बड़ी बात है गन्ने की मोटाई भी नुक्की हुई है भाई। मोटाई भी अन्य बारीक पड़ जाएगा अंडा बारीक। हाँ बदने के बाद हम बहुत बारीक पड़े 39 है ये ऐसा है 39 की डाला खड़ा। हाँ जी 39 का घोड़ा मोटा बता रहे। हाँ जी 39 की डाला खड़ा जो 39 गंदा बारीक नहीं पड़ा जी इसका। हाँ जी बस ये खास बात बदने पे। हाँ जी गंदा बारीक पड़ जा गन्ना बारीक नहीं पड़ा। हाँ गन्ने की तो मोटाई नुकसान हुई है भाई तेरी हर ब्याह की बोरा है जी। अच्छा इसमें जैसा ये सफाई है इसमें कुछ खरपतवार के लिए क्या करो? करो इसमें 240 है जी। अच्छा एट्राजीन 240 इधर को दिखाओ है जी 240 और एट्राजीन वो लगाई थी जी इसमें बाद में। हाँ जी कितने कब कितने दिन हो गए? ईसा तो जी 1 महीना हो गया। अच्छा खरपतवार के लिए लगाई थी। हाँ जी। तो इसका भी लाभ हो जाएगा कुछ लगाने का ऐसा? हाँ जी कुबाड़ा खत्म हो जाए अपने कुबाड़ नहीं होता
घास में कीड़ा ही भी आ गया जी सुंडी। अच्छा अच्छा, तो अब इसमें काट के बस चौथे साल का ना रखा तो गेहूं बोओगे क्या बुआई करोगे? गन्ना ही बोओगा? गन्ना ही जी, गन्ना। अच्छा, और बीज कौन सा रखोगे जी? बीज तो यही रखेंगे जी, अड़ती सी। अच्छा, अड़ती सी। ऐ भाई, हाँ, दो वर्ष वाले से। हाँ जी, दो वर्ष से ठंडा है, तीन वर्ष। हाँ, हाइट इसकी ज्यादा है कुछ। इसका जो मेल जो है यहाँ जी, एक मेल जो है, अरे मेल के ऊपर मेल दे दिया ना दूसरा। बिल्कुल। और तीसरा भी मांग रहा, पर कोड्डा हो जाए मेटा जी। जी, बस कोड्डा हो लिया। ये देख लो भाई, शामली जिले का खेत है भाई, ये सुभाष जी का, बहुत ही जबरदस्त। हाँ जी, एक बार इधर आओ। तो इसकी बंधाई का कैसे आपने प्रबंधन कर रखा, कैसे बंधाई करो? बंधाई स्टूल सा हो जी, पहले तो नीचे तक करते रहे, और फिर स्टूल से बंधाई हुई जी, और फिर जो दूसरा जो उन्होंने दिया वो स्टूल के ऊपर छोटा स्टूल रख के जब दिया। तो खुद ही करते हो के काम के आदमी जी? अपने आप भी करें, और मजदूर भी लगाना पड़ जा, साथ रखना पड़ जा। हाँ, क्योंकि अकेले का तो काम है नहीं, नहीं होता जी। थोड़े बहुत को तो कवर कर लिया, सारा कवर नहीं होता जी अपने आप। सारा कवर नहीं होता, ढेर महंगा हिसाब पड़ा है जी, मजदूर लगा के ढेर महंगा हिसाब पड़े, ज्यादा महंगा हिसाब पड़े जी। साथ में रहना पड़े, मजदूर पे ऐसी बंधाई होती नहीं। हाँ, वो तो आदमी तो फिर दो तीन चाहिए ना उसमें। हाँ जी, तो भाई मजदूर इतनी बढ़िया बंधाई कर नहीं पाते जी। हाँ जी, पाँच छह फुट का स्टूल चाह, इतना ऊंचा स्टूल चाह जी, ऊपर बंद है इतना, यहाँ इतना डर गया जी, ऊपर चढ़ा जाए स्टूल लगे जी कोठे में, उसके ऊपर फिर स्टूल डर गया बंद है फिर जब जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये जो है गड्डी पुख्ता गांव से मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये 0238 वैरायटी की, और सुभाष जी का खेत है भाइयों ये, और कई सालों से लगभग जो है ऐसा ही गन्ना ले रहे, ये तीन वर्षे का मुद्दा है भाइयों। और इसी वीडियो में पहले दो वर्षे का, जहां से वीडियो की शुरुआत करी थी, ये और भी एक दो फुट उससे ज्यादा हाइट का गन्ना है, और गन्ने की हाइट 17-18 फुट तक पहुंच रही भाइयों इनके खेत की, और उत्पादन भी जो है 100 का तो आराम से आ ही रहा हर साल एवरेज। तो भाइयों, सुभाष भाई के खेत की वीडियो थी 0238, और तिबर से का खेत है भाइयों, दुबर से का भी दिखाया मैंने इसी वीडियो में, और इतना शानदार गन्ना भाइयों आसपास में कहीं नहीं है जितना शानदार ये भाई ले रहे हैं। कुछ प्रबंधन का भी है, देखो किसान भाई की सबकी अलग अलग मेहनत है, और ये इस बीज के बारे में बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से जान गए किस तरीके से इसका उत्पादन लेना। तो भाइयों, ये थी आज सुभाष भाई के खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।